चुपचाप सा लग रहा है घर के अंदर, सुनसान सा लग रहा है। बताओ चीनी रखी है, दादी बोले तो नमक रखा। टमाटर क्या भाव है? 80 रुपए किलो। पता है क्या? हाँ बता। क्या हुआ? हाँ हुआ, नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस हम सब भी बहुत अच्छे हैं और हमारे कान्हा जी भी बहुत अच्छे हैं। हो गया रेडी आज से इसका स्कूल 2 जुलाई, खुशी तो कल से जा रही है। और भाई कल रात से बहुत उमस हो रही है, कल रात थोड़ी बारिश हुई, हमें उम्मीद थी कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बट जैसी रुकी लाइट चला गई और इतनी गर्मी हो गई। बहुत गर्मी हो गई और अभी भी अजीब सा मौसम हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है सुबह हो ही नहीं रखी, स्टार्ट आधा दिन निकल गया, इतना अजीब सा हो रहा है, फ्रेश नहीं लग रहा है। मामा जल्दी से तू आ जा, खुशी अपना बैग लेके। गाइस हम दोनों आ गए हैं बाहर थोड़ा टहलने के लिए। यहाँ पे गिलहरी घूम रही है, छोटी 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 गिलहरी। बाहर देखो, बाहर तो पानी भरा हुआ है कल की बारिश से। अच्छे बहाए हुए खेत है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। ये आम का पेड़ लगा रखा है इन्होंने, देख रहे हैं? ये आम का पेड़ है, क्यों ले जाए? ये आम का पेड़ है, ये फूल है, ये किसी चीज की तोरी वोरी बो रखी है। यहाँ से पहले पेड़ उखड़ गया था एक बार बरसात में। जा बाय कर जल्दी, वो उधर से गाड़ी आ रही, फिर जा जल्दी, बाय, आराम से जा, आराम से जा। ड्यूटी के लिए रेडी, 8 बजने वाले हैं। काम वाम सब हो गया है और बच्चे नहीं है ना आज घर पे, स्कूल गए हुए दोनों, तो ऐसा चुपचाप सा लग रहा है घर के अंदर, सुनसान सा लग रहा है ना? आज करनो खुशी घर की नहीं थी, आज सुनसान सा लग रहा है। अपना ये लस्सी अब वो सामने सीमा ने दी थी, इसको खोलो तो, ये बच्चों के लिए संभाल रहे हैं, वो आएंगे तो थोड़ा पियेंगे गर्मी में, ठंडी ठंडी कहीं दूध समझ में चाय मैंने डाल दिया। चलिए गाइस चाय पीते हैं थोड़ा, ये थोड़ा इसमें बच रहा है, इसको ले लो। बताओ चीनी रखी है, दादी बोल रही तो नमक रखा है। आ गई, तू पहले कैसे आ गई भाई? गर्मी हो रही है, तू पहले कैसे आ गई? गर्मी हो रही है, कैसा रहा दिन? बताओ जिसका स्कूल नजदीक है वो लेट आता है और जिसका दूर है वो जो जल्दी आ गई। लड़की ला दे, दिखा दी पेंट है मैम को, सही था, मिल भी गई वापिस। हाँ। है बता, एक दिन के लिए 400 खर्चा करवा दिया तेरी मैडम ने। पता है क्या? हाँ बता। क्या हुआ? हाँ हुआ क्या? ये जो पेंट थी ना, हाँ, हम सब की स्लाइड शो कर रहे थे। हाँ। तो ना एक लड़की थी, हाँ, अपनी स्लाइड, उसने क्या चालाकी, उसने मतलब कैसा लेके दिखाई, हाँ, आगे के 2 पेज तो उसने खुद बनाए। हाँ। और उसके बाद ना एक यूट्यूब चैनल है ना, मतलब जो पढ़ाता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, उसके सारे स्क्रीन शॉट किए और सब डाल दिया उसमें और हमने पहचान लिया, सब हंस रहे थे। मैम ने भी पहचान लिया? मैम को क्या नहीं पता था, मैम को क्या क्यों पता होगा उस यूट्यूब चैनल के बारे में? नहीं नहीं, जो जो स्क्रीन शॉट है और अपने हाथ का हाथ दिख रहा था ना टीचर का भी, तो फिर क्या किया, क्या किया, उसका प्रोजेक्ट पास हो गया होगा? मतलब वो ले गए, हम इसमें से टेप के लिख लेंगे फिर वही। उन लोगों ने काम ही नहीं कर रखा? हे भगवान, ये लड़की कब से लगी हुई है काम करने में? और बताओ बच्चों ने 1 महीने की छुट्टी पूरी कर ली, अब जाके काम कर रहे हैं। तेरे को भी गर्मी लगती है? कैसा रहा पहला दिन छुट्टी के बाद? अच्छा था? और काम वाम मांगा मैम ने? हाँ। क्या बोली? बुकलेट? ओहो वाह बेटा वाह, ये है हमारे शहजादे, ये देखो जरा। फिर मैम ने क्या डांटा? कल ले जाना फिर, अब ठीक है। गाइस हम लोग आए हुए हैं बाहर मार्केट में सब्जी लेने और पता है टमाटर क्या भाव है? 80 रुपए किलो। अभी ढूंढ रहे हैं सस्ते कहीं मिल जाए तो। बारिश के मौसम में सब्जी पता नहीं इतनी महंगी क्यों हो जाती है। कैसे? 40 रुपए किलो भिंडी हो गया, चलो हो गया होगा, चलो किलो, हाँ किलो कर दे भाई, सब्जी तो खानी पड़ेगी।
टमाटर भी ले लिए। गाइस ये देखो हमारा राष्ट्र पक्षी मोर कहाँ गया, अरे तुम इधर आ, ये बैठा है देखो, ये बैठा है, दिख रहे हैं क्योंकि मौसम हो रहा है ना थोड़ा अच्छा सा। अरे उधर को मुंडी कर ली उसने, ये देखो उसकी पूंछ दिख गई, ये देखो इधर आ गया, अब नीचे गया, उड़ गया, उड़ गया यार। एक मिनट रुको तो मैं वहाँ से देखती हूँ, गाइस इधर से लेने की कोशिश करती हूँ मोर को। अरे इसके अंदर कितने मोर हैं भाई साहब, नहीं दिख रहा, मैं नीचे जाती हूँ, रुको, इधर छेद है ना दरवाजे में। गाइस वो देखो दिख रहे, वो देखो मोर, आई होप सो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर बहुत मोर है भाई साहब। मैं पता कहाँ से ले रही हूँ वीडियो, ये देखो टूटे हुए गेट से ले रही हूँ, यहाँ पे है मोर, वो देखो तीन चार मोर है, तीन चार। गाइस इसके अंदर बहुत सारे मोर भरे पड़े हैं, हाँ दिखा, चलता हुआ दिखा। ये बोल रहे थे अभी मैं आ रहा था ड्यूटी से तो ऐसे पंख फैला रखे थे, मैंने कहा चलो तो अभी वो बैठे हुए हैं, अभी चल रहे हैं, चल रहे हैं उधर, हाँ उधर चल रहे हैं, बहुत है 10-12 मोर हैं उधर अंदर ही अंदर। जंगल में मोर होंगे पक्का, क्योंकि ये जंगल ठंडा है ना, देखो पेड़ ही पेड़ हो रखे हैं। गाइस 6:30 बज गए हैं, लो जी पेट का सामान, टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये देखो आलू उबाल रखे हैं, ये है, ये भी 40 रुपये, ये हमको 40 मिल गए बाद में।